मध्य प्रदेश में शिवराज के राज में मंचलों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसका एक नमूना इन तस्वीरों में देख लीजिए। हालात ये हो चले हैं कि बेटियों का स्कूल जाना भी दुश्वार है, क्योंकि रास्ते में मंचले उन्हें छेड़ते हैं। इस वक्त तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो हरदा जिले की है, जहाँ आपको एक मंचला कानून का सरेआम माखौल उड़ाते हुए दिख रहा होगा। ये मंचला स्कूल से लौट रही एक नाबालिग छात्रा को बीच सड़क पर रोककर पहले तो छेड़खानी करता है, और जब छात्रा विरोध करती है तो मंचला उसके साथ मारपीट भी करता है। मैं स्कूल से घर आ रही थी तो रास्ते में तीन लड़के थे, उसमें से एक ने मेरा रास्ता रोक लिया। वो बोलता वाला कि चल मेरे साथ गाड़ी पे बैठ, मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। मैंने उसके साथ जाने से मना करा तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट। पढ़ने जाती है अजनाथ रैयत से खेड़ा में, स्कूल है 12वीं तक, 10वीं में नाम लिखाया है मैंने बच्चे का। वहाँ पर तीन लड़के आए, उन लोगों मेरे बच्चे को छेड़खानी कर दी उनकी बच्ची की। अब मैं गरीब आदमी, मेरे 19 तारीख को था, मैंने थाने में 19 तारीख को घटना हुई साहब, 23 तारीख को मैंने थाने में किया रिपोर्ट। मैं जाया हुआ था इंदौर, बच्चे का ऑपरेशन हो रहा था, मेरे को इस हुआ हुआ वहाँ से पता। हमारे भाई हेमू भाई खेड़े वाले को बोला मैंने कि भैया ऐसी घटना हो गई, आप कुछ करो इसका। जब उनने आके 23 तारीख को ले जाकर बच्चे का थाने में किया रिपोर्ट करवाई, अभी तक कोई सूचना नहीं मिली साहब मेरे को, 26 तारीख हो गई आज। चलिए अब छेड़खानी हुई तो हुई, लेकिन शिकायत मिलने के बाद पुलिस को तो सख्त एक्शन लेने की जरूरत थी, लेकिन मामा की पुलिस यहाँ भी सोती रही। हफ्ते गुजर गए हैं लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोपियों को पकड़ा तक नहीं है, सजा देने की बात तो दूर की है। ऐसे में गरीब परिवार खौफ में दिन गुजार रहा है, नाबालिग बेटी डर के मारे स्कूल भी नहीं जा रही, लेकिन किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। हालांकि पुलिस कहती है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ कर सजा दी जाएगी। वो बालिका है ग्राम अजनास की, जो 19 तारीख को स्कूल से घर आ रही थी तो बियर हाउस के पास एक आनंद नाम के लड़के ने उसका रास्ता रोक लिया था और उसको घर नहीं जान दे रहा था, और जब लड़की ने विरोध किया तो उसको एक चाटा भी मारा। रिपोर्ट पर हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिए हैं और उसे गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना हुई है। जिस मध्य प्रदेश में दिन के उजाले में 10वीं में पढ़ने वाली 14 साल की बेटी को तीन मंचले रास्ते में रोक कर छेड़खानी करके चले गए और कोई कुछ नहीं कर पाया, उसी मध्य प्रदेश की धरती पर खड़े होकर सरकार दावा करती है कि हमारे राज्य में बेटियां सुरक्षित है, लेकिन ये तस्वीर अपने आप में उन दावों को खारिज कर रही है और चीख चीख कर कह रही है कि मंचलों पर लगाम लगाने वाला शायद कोई नहीं। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको हिट करो।